नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। केरल में जीएसटी विभाग के 6 अधिकारियों को दुकानदारों ने दुकान के अंदर बंद कर दिया। वे टैक्स चोरी के मामले में छापेमारी करने गए थे। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अधिकारियों को दुकान से निकाला। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने या उनके साथियों ने किसी अधिकारी को दुकान में बंद नहीं किया। कुछ दुकानें जरूर बंद की गई थी क्योंकि हमें नमाज पढ़ने मस्जिद जाना था। हमने अधिकारियों को इस बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। मामला केरल के कोझिकोड जिले का है। शुक्रवार को जीएसटी विभाग की 50 सदस्यों की टीम एक मार्केट में छापेमारी के लिए पहुंची थी। एसएम स्ट्रीट, तिरुवन्नूर और स्पेस मॉल में स्थित करीब 25 दुकानों में छापेमारी करनी थी। मार्केट में जीएसटी के अधिकारियों को देखते ही दुकानदार विरोध करने लगे। हालांकि अधिकारियों ने किसी तरह उन्हें समझाया और छापेमारी शुरू की। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने 6 अधिकारियों को एक दुकान में बंद कर दिया, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई और अधिकारियों को बाहर निकाला। जीएसटी विभाग की टीम जिन 25 दुकानों में छापेमारी करने पहुंची थी, ये 2 लोगों के पार्टनरशिप में थी, जिनमें से एक जेल में है। टीम को इनपुट मिले थे कि इन दुकानों के मालिकों ने 27 करोड़ की टैक्स चोरी की है। इसके बाद टीम ने ये छापेमारी अभियान शुरू किया।